हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो कि 10th क्लास के साथ साथ इससे आगे की क्लासेस में भी बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 3.1 में हमने जो सिचुएशंस गिवन थी उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। एक्सरसाइज 3.2 में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड किया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। और इसके बाद थर्ड इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को किस तरह से सोल्व करते हैं ये सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, यहां पे आप चैप्टर थर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को के सॉल्यूशन को फोर मेथड से करेंगे। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ इसके बाद जो हम मेथड पढ़ेंगे वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इन चारों ही मेथड में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड की खास बात यह है कि इसको आप इस एक्सरसाइज के अलावा जब आप किसी और टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, किसी और चैप्टर्स में आपको कोई सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ गया, आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ गई टू वेरिएबल में और आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ गया, तो वहां पे आप कौन से मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे? तो सबसे जो बढ़िया मेथड माना जाता है, सबसे सिंपल जो इंटरेस्टिंग जो मेथड माना जाता है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम जो सॉल्यूशन है वहां पर भी फाइंड करते हैं। तो इस हिसाब से ये जो मेथड है और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के लिए एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड बेहद इंटरेस्टिंग है, इसके लिए हम टू लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक हम ले लेते हैं 2x + 3y दैट इज इक्वल टू 10, और एक हमने ले ली 3x + 5y इज इक्वल टू 16। तो हमने क्या किया, टू लीनियर इक्वेशन हमने ले ली, या फिर ये कह लो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने ले लिया, और हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। इसका सॉल्यूशन आप कौन कौन से मेथड से फाइंड कर सकते हो अभी तक? ग्राफिकली आप इसको सोल्व कर सकते हो, ग्राफ मेथड से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो जो कि आपने 3.2 में सीखा, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो जो कि आपने 3.3 एक्सरसाइज में सीखा, या फिर एक और नया मेथड हम सीखेंगे आज जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, इसमें आपके पास जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है उनका नंबर डाल दो, लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन 2। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको कोफिशिएंट्स इक्वल बनाने हैं। आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स इक्वल बनाने हैं। देखो यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहां पे x का कोफिशिएंट 3 है। आपको इस इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, साथ ही इस इक्वेशन को भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब आपकी मर्जी है, या तो आप x के कोफिशिएंट इक्वल बना लें
या फिर आप वाई के कोफिशियंट इक्वल बना ले, आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी के भी कोफिशियंट आप इक्वल बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, सपोज करो हम एक्स के कोफिशियंट इक्वल बनाएंगे, तो देखो ये जो एक्स है ये फर्स्ट जो इक्वेशन है, यहां जो सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल आसान सी बात, हमें क्या करना है एक्स के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने से, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकेंड इक्वेशन में जो एक्स का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और सेकेंड इक्वेशन को जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इतना सा काम करना है। अगर आपको वाई के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 5 से, और सेकेंड इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 3 से। ये एक बस सिंपल स्टेप, आप इसके ज्यादा इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे हम इसको लिख देंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय वन को कितने से मल्टीप्लाई किया 3, एंड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन टू को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से। तो ये हमने काम कर दिया, इक्वेशन वन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इक्वेशन टू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x प्लस प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 30। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है आपको, ध्यान रखेंगे 3 से मल्टीप्लाई कंप्लीट को करूंगा, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन, और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी हो जाएगा 6x प्लस 10y, 6x प्लस 10y दैट इज इक्वल टू 32। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 4। बिल्कुल इजी सी बात। अब आपको क्या करना है, देखो कोफिशियंट इक्वेट हो गए, आपको बस इनको सब्ट्रैक्ट करना है, आप इसके साइन चेंज कर ले, इस नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर ले, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तीनों को आपने क्या कर दिया साइन चेंज कर दिया इनके, साइन चेंज करने का मतलब आपने इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप देखिए ये 6x प्लस का है, ये 6x माइनस का है, इसके साथ ये कट गया, यहां पे 9x प्लस के है और 10y माइनस के है, 9x प्लस के है और 10y माइनस के है, तो कितने बच गए, माइनस का वाई बच गया, इक्वल टू 30 प्लस के और 32 माइनस के हैं तो माइनस के 2 बच गए, माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दिया तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। कितना इजी सा काम है, वाई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी पुट कर दो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में जब हम इसको पुट करेंगे, 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 है दैट इज इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो, रफ पे कर सकते हो या माइंड में कर सकते हो, वेरिफिकेशन देखते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो चलो हम सेकंड वे कर लेते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 16, x की जगह पे हमने 2 रखा और y की जगह पे भी 2 रखा, 3 की 2 के साथ 6, 5 की 2 के साथ 10, 16, 16 इज इक्वल टू 16 ट्रू है, इसका मतलब जो हमारा जो आंसर आया है, जो सॉल्यूशन आया है वो ट्रू है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है।
तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। आपको कोफिशियंट्स इक्वेट करने हैं, उसके लिए आपको दोनों इक्वेशंस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है और एक इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। आपकी मर्जी है, आप कोफिशियंट इक्वेट करें एक्सेस के या फिर कोफिशियंट इक्वेट करें वाई के। कोफिशियंट इक्वेट करने के बाद एक जैसे बनाने के बाद आपको जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है उसके साइन चेंज करने हैं, यानी कि उस इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या पता हमें एडिशन से भी हमारा काम चल जाए, ये हो सकता है कि हमारा एडिशन से भी काम चल जाए, वो हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पे वाई की वैल्यू आई है, और उसके लिए हम उसको इक्वेशन वन या टू में पुट कर देंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर आएगा। ध्यान रहे जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसको किसी न किसी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लें कि आपका जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। इससे क्या होता है कि अगर वेरिफिकेशन सही नहीं आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है और आप उसको ठीक कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक हुआ एलिमिनेशन मेथड के कोरस्पॉन्डिंग। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से भी करना है इसको और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है, एक तो है x plus y दैट इज इक्वल टू 5 और 2x -3y दैट इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी। यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से करना है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात 3.3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। आप चाहे तो इसको एलिमिनेशन मेथड से के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि हम पहले ही बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं 3.3 में। आप लगातार प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप यहाँ पे फिर दोबारा से सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, क्योंकि इससे थोड़े हमारे समय की बचत हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस के लिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ट्राई करना चाहिए और फिर कंपेयर करना चाहिए कि दोनों से आंसर सेम आया है नहीं आया है, या फिर कौन सा मेथड किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड ज्यादा ठीक रहा, मतलब किस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको किस मेथड से इजी रहा और किस मेथड से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, ये भी आप कंपैरिजन फिर कर सकते हैं। तो ये देखते हैं अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एलिमिनेशन मेथड से जब हमें करेंगे इसको तो हमें क्या करना है, हमें कोफिशियंट इक्वेट करने हैं। देखो इक्वेशन 1 में x का कोफिशियंट 1 है और यहाँ x का कोफिशियंट 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने हैं, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें दोनों से ही करना है, सिर्फ हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े। तो अब हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x plus 2y is equal to 10 हो गया। इसको हमने इक्वेशन 3 लिख दिया। अब हमने सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 को तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, 2 को तो ऐसे ही लिखा, तो हम 2 को ऐसे ही लिख देते हैं 2x minus 3y that is equal to 4, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये हमारे 2 इक्वेशन। अब देखो x के कोएफिशिएंट सेम है, अब इनके साइन चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 2y और प्लस के 3y कितने हो जाएंगे 5। यहाँ पे 10 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो 6 रह जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 डिवाइड बाय 5।
अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट कर दे। इक्वेशन वन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। एक्स तो ऐसे ही, वाई की वैल्यू है सिक्स डिवाइड बाई फाइव, दैट इज इक्वल टू फाइव। तो एक्स की वैल्यू आ गई फाइव, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाई फाइव। एक्स इज इक्वल टू ये फाइव आ गया और ये ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई नाइनटीन डिवाइड बाई फाइव। तो हमारे पास x इज इक्वल टू नाइनटीन डिवाइड बाई फाइव और y इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाई फाइव, ये हमारे पास इसका आंसर है। चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। इक्वेशन वन है हमारे पास एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स की वैल्यू रखी नाइनटीन डिवाइड बाई फाइव प्लस वाई की वैल्यू रखी सिक्स डिवाइड बाई फाइव, दैट इज इक्वल टू फाइव। यहां एलसीएम फाइव आ गया, ये नाइनटीन प्लस सिक्स ये 25 डिवाइड बाय 5 कैंसिल कर दिया, 5 इज इक्वल टू 5 यानी कि ट्रू है। आप चाहो तो सेकंड में भी इसको रख सकते हैं। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसकी वेरिफिकेशन कर ली। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट फर्स्ट। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से हमारा काम जो है वो चल गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट को देखते हैं। बात करें अगर पार्ट सेकंड की, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 2। अब प्यारे बच्चों क्या होता है कि आप कोई भी तरीका आपको जो ठीक लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इक्वेशन वन को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, टू से, और इक्वेशन टू को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दें, थ्री से। तो एक्स का कोएफिशिएंट भी कितना हो जाएगा, सिक्स, और वाई का कोएफिशिएंट भी कितना हो जाएगा, सिक्स। एक तरीका तो ये हो गया आपका। अब ये तो हमने सीख ही लिया अपने बेसिक में, अब कुछ नया सीखते हैं। हमारी मर्जी है कि हम एक्स के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें या y के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, ये हमारी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं, देखो कैसे करते हैं। यहां पे 4y है और यहां पे 2y है माइनस का, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने लिखा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गई 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 3 होगी, इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन हमारी 1 है। ये इजी कर दिया हमने बिल्कुल, इसको थोड़ा छोटा भी हो गया अभी, नहीं तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब की बार देखो आपको साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने y को एक ऑप्शन को न्यूमेरिकली इक्वल बनाया था, ये माइनस के 4y है और ये प्लस के 4y है, तो ये ऐसे ही कट गए। यानी कि अब की बार हमने सब्ट्रैक्ट नहीं का करा है, अब की बार हमने इनको दोनों को प्लस कर दिया है, अपने आप ही कट गए, साइन चेंज करे भी नहीं, आपस में कैंसिल हो गए। ये 4x प्लस 3x 7x हो गए और ये 4 और 10 ये हमारे पास 14 हो गए। तो x की वैल्यू आ गई 14 डिवाइड बाई 7, 1 पे और 2 पे, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम लिख देंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यह है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू हमने 2 रखी, 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4, तो y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, ये हमारे पास इसका
आंसर है। चेक करें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 ले ली, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 3 की 2 के साथ 6 प्लस 4 दैट इज 10, 10 इज इक्वल टू 10 ट्रू है, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो सही है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड। अगर आपको इसमें कोई समस्या नजर आती है तो आप सीधा ही इसको इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों 6 हो जाएंगे, फिर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो ये 4 था, ये माइनस 2 था, तो मैंने इसको 2 से को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दिया, सिर्फ एक को ही मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल भी हो गई है, साइन भी चेंज नहीं करने पड़े, दूसरा बेनिफिट हमारे पास इसका ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पार्ट थर्ड की, तो पार्ट वन थर्ड में उसने थोड़ा हाथ चेंज कर दिया है। यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है 9x दैट इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो जब एलिमिनेशन मेथड की हम बात करते हैं तो जो x और y की टर्म है उसको तो लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो कॉन्स्टेंट पार्ट होता है उसको राइट साइड में रखते हैं। तो x और y की टर्म लिखो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस 5y ये तो इधर ही रखा और ये माइनस 4 को इधर ले आए तो ये प्लस का 4 हो गया, इसको आप 3 नाम देना चाहते हैं तो 3 ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से 9x तो हमारे पास इधर है ही है, ये जो 2y है इसको लेफ्ट साइड में ले आए माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 7 क्योंकि 7 तो राइट साइड में ही था हमारे पास, इसको 4 दे। अब ये बस यही इसमें नई बात है, इसके अलावा कोई नई बात नहीं है। अब आपको कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं, क्या कर सकते हैं देखो यहां 3 है यहां 9 है तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 ही बन जाएगा। अगर हम इसको 3 से, वैसे तो ये कर सकते हो आप देखो इसको 9 से कर दो और इसको 3 से कर दो तो दोनों क्या बन जाएंगे 27 बन जाएंगे, लेकिन जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे 9x हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, हम कर देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3, 3 से कर दिया हमने तो ये हो गया 9x माइनस 15y दैट इज इक्वल टू 12। तो ये 3 इक्वेशन थी, अब ये 5 में कन्वर्ट कर दी और ये नीचे इसके ऐसे ही लिख दी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारी 4 थी। अब देखिए 9x 9x साइन चेंज कर दो, ये माइनस का ये प्लस का और ये माइनस का, जो प्लस का है अगर आपके साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का होगा, तो प्लस का तो माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया। अब ये 9x प्लस का ये माइनस का कैंसिल, हमारे पास 15y तो माइनस के है और 2y प्लस के है तो माइनस के 13y रहेंगे। यहां पे 12 प्लस के है और 7 माइनस के है तो 5 रहेंगे प्लस के, तो y की वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाय माइनस 13, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाय 13, इस माइनस को हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, फर्स्ट में पुट करोगे, सेकंड में पुट करोगे, थर्ड में पुट करोगे, आपकी मर्जी है, कोई से भी कर सकते हैं, थर्ड में कर ले इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड है हमारे पास, किसी में भी कर सकते हैं आप 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5 इंटू y की वैल्यू देखो माइनस किया तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस 5 डिवाइड बाई 13 दैट इज इक्वल टू 4, 3x माइनस माइनस प्लस हो गया ये 25 डिवाइड बाई 13 दैट इज इक्वल टू 4, 3x 4 माइनस 25 डिवाइड बाई 13 यहां से 3x दैट इज ये 13 हो जाएगा, 52 माइनस 25 3x दैट इज 27 डिवाइड बाई 13, x इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 13 और ये 3 नीचे आ जाएगा 3 1 और ये 9 तो x की वैल्यू आ गई 9 डिवाइड बाई 13, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 13
और y इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाय 30, ये इसका आंसर आ जाता है। आप चेक करना चाहे तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी रख के चेक कर सकते हो। हम जैसे सेकंड ले लेते हैं, 9x दैट इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये जरूर काम कर ले आप, रफ में करें या माइंड में करें। तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू है 9 डिवाइड बाय 30, दैट इज 2 इंटू एक्स की वैल्यू है, y की वैल्यू है माइनस 5 डिवाइड बाय 30 और प्लस 7, तो यहां से 81 डिवाइड बाय 13 हो गया, यहां से माइनस 10 डिवाइड बाय 13 प्लस 7, 18 डिवाइड बाय 13, यहां से एलसीएम लिया 13 माइनस 10 प्लस 91, 81 डिवाइड बाय 13 और ये भी 81 डिवाइड बाय 13, तो ट्रू है, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो सही है। यहां पे नई बात क्या आई, सिर्फ इतनी सी कि जो एक्स और वाई की टर्म है वो लेफ्ट साइड में रखी और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हमने राइट साइड में लिखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट फोर्थ की, फोर्थ पार्ट में है हमारे पास x डिवाइड बाय 2 प्लस 2y डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस y डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3, ये 2 है। अब किस तरह के जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक ही जनरल तरीका बता रहा हूं, सब पे अप्लाई करने हैं आपको, जब बटे में आ जाए, डिवाइड में आ जाए कोई टर्म, तो आप क्या करें, पहले जो इनका एलसीएम बनता है वो ले लें, उससे मल्टीप्लाई कर दें। इसका एलसीएम बनेगा 2 और 3 से 6 एलसीएम बनेगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहां देखो 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बाकी का बाद में देखेंगे। इसको डिवाइड को हम खत्म कर रहे हैं, कहने का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड को खत्म कर रहे हैं। तो देखो इससे क्या होगा, हम लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन 2 बाय 3, तो इक्वेशन 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 3 से। देखो अब इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा 3 आ जाएगा यानी कि 3x हो जाएगा, जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 की 2y के साथ करेंगे तो ये 4y हो जाएगी और ये माइनस के 6, इसको 3 लिख दिया। और जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, इसका 3 कट जाएगा, ये माइनस का y आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो ऑटोमेटिकली ये दोनों इक्वल आ गए और डिवीजन में से भी खत्म हो गया, जो भी डिवाइड में था वो पार्ट भी खत्म हो गया। आप क्या कर सकते थे, ऐसा हो सकता था कि फिर भी इक्वल ना आए, मान लो यहां पे 2 आ जाता यहां पे 3 आ जाता, फिर इसको बैलेंस करते जैसे हम बैलेंस करते हैं, जिस तरीके से हम बैलेंस करते हैं उस तरीके से फिर हम इसको बैलेंस कर लेते, मान लो यहां पे 2 आ जाता यहां पे 3 आ जाता, तो इसको जैसे लिख लेते हैं कि यहां पे सपोज करो 2 आ गया तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते 3 से और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते 2 से, यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि दोनों क्या आ गए 3 आ गए। अब इनको माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, 3x प्लस का 3x माइनस का, 4y प्लस के और y प्लस का तो 5y हो गया, 6 माइनस के और 9y माइनस के तो माइनस के 15 हो गए, तो y इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाय 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 3। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो, 2 में पुट कर लो, 3 में पुट कर लो, 4 में पुट कर लो, तो 3 में पुट कर रहे हैं, इन 3 3 है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 6, 3x 4 की माइनस 3 के साथ करेंगे माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6, 3x इज माइनस 6 प्लस के 12 हो जाएंगे, माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12,
यहाँ पे माइनस सिक्स और प्लस के 12 तो 6 आ जाएगा, x इज 6 डिवाइड बाय 3 तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखो x हमारे पास 2 आ गया और y हमारे पास माइनस 3 आ गया, तो ये इसका आंसर है। अब हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये आ रहा x की जगह पे 2 रखा, 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 इन टू, वाई की जगह पे माइनस 3 रखा, दैट इज माइनस 1, 2 डिवाइड बाय 2 1 आ गया, 3 की माइनस 3 के साथ करेंगे माइनस 1, 2 की माइनस 1 के साथ तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ट्रू आया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट 4। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व किया है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड की तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ इन क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कोशिश करके देखिए और फिर ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड किस जगह पे ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सोल्व करो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर मेथड इंडिकेट कर देंगे तो आपको मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। अगर कोई भी मेथड नहीं लिखा तो आपकी मर्जी, जिस मर्जी मेथड से करें, तो आप सारे मेथड को कंपेयर करें और फिर डिसाइड करें लास्ट में कि कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।